अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थॉमस कैलकुलस की, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करूँ, आज के लेक्चर में भी हमारे पास यही पोर्शन चल रहा है, फाइंडिंग फंक्शंस फ्रॉम डेरिवेटिव्स। इसके अंदर आज के लेक्चर की बात करूँ तो मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला आज के लेक्चर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करने वाले को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट समय जब भी कोई लेक्चर लेकर आता हूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जी हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन 37 की बात करते हैं, कहते हैं जी फंक्शनों से आपको डेरिवेटिव फंक्शन दिया हुआ है f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x माइनस 1 और पॉइंट्स उसने आपको दिए हुए हैं 0 एंड 0। अब बेसिकली यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ये x है और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग जो y का नाम दें, यानी कि ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली उसने पूछा गया, वो कहता है जी इन एक्सरसाइज 37 to 40, अब कुछ जो है ना वो एडिशंस के अंदर ये यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं, कहीं पे ये जो है ना वो हो सकता है 33 से 37 तक हो सकता है इस तरह से, लेकिन जो है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, एडिशन का जो है ना वो डिफरेंस हो सकता है, टॉपिक्स एंड एक्सरसाइज तकरीबन सेम है। तो फाइंड द फंक्शंस विद अ गिवन डेरिवेटिव हूज ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट पी। सबसे पहले हम यही काम करें जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन रफ अमल में करके हम लोग जाना ये अंदाजा लगाएंगे कि ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो एक्चुअली किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। उसके बाद जो ना वो इस पॉइंट को पुट करके इस फंक्शन में चेक करेंगे कि किस फंक्शन का ग्राफ है ये वाला फंक्शन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को बाद में जाना उस फंक्शन में पुट करेंगे। यहाँ पे जीरो बेसिकली एक्स की वैल्यू, ये जीरो बेसिकली वाई की वैल्यू है। पहला क्वेश्चन करूंगा आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। सबसे पहले देखें ये किसका जो है ना वो आपके पास किसका फंक्शन हो सकता है, उसके लिए हम लोग इसका ग्राफ अमल में डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये फंक्शन है जी आपके पास एफ प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं 2x-1, तो ये आप प्राइम और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, ये आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे था एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये जी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू इसका जो है इंटीग्रेशन लेते हैं तो 2 तो वैसे का वैसे आता है, एक्स की पावर में एक जो है वो प्लस करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या 1 है तो 1 में एक प्लस करेंगे तो एक्स की पावर 2 बन जाएगा, बटे में भी 2 आ जाता है, माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स, उसके बाद प्लस सी कोई कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 से कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये वाला वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास ये वाला फंक्शन है। देखिए इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस सी कोई हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब ये हमारे पास फंक्शन बेसिकली आ चुका है, अब हमने इससे जो है ना वो पॉइंट पे चेक करना है, ये जी हमारे पास एक्स, ये जी हमारे पास वाई। अब सबसे पहले हम लोग जो है ना वो क्या करते हैं एफ इन टू एक्स की जगह पे जीरो पुट करके चेक करते हैं, तो जीरो पुट करते हैं अगर हम तो यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस सी। अब ये एफ ऑफ जीरो बेसिकली किसके बराबर है, बेसिकली जो है ना वो किसके बराबर होता है, ये जब हम जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू आती है, यानी कि वाई की वैल्यू ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होती है बेसिकली। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जीरो है वो बेसिकली किसके बराबर है, वाई के बराबर है, जीरो के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो विच इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस जीरो विच इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ चुकी है जीरो। दोबारा से यहाँ पे देख लें, जब भी जो है ना हम लोग फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें वाई की वैल्यू मिलती है, फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे भी वही काम है, जब एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की तो हमें बेसिकली वाई की वैल्यू मिली और वाई की वैल्यू जीरो है, तो जीरो यहाँ पे लगाई, यहाँ पे सी बटे सी की वैल्यू आगे जीरो। अब इसी सी की वैल्यू जीरो को इस जो है ना उसमें पुट कर दे वन में, तो पुट किया तो ये बनेगा जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सी की जगह पे जीरो पुट किया तो सी खत्म हो गया, यहाँ पे ये है जी हमारे पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 37 के। इसमें हमने सिर्फ यही काम करना था, पहले हमने जो है ना वो निकालना है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, फिर उसके अंदर हम जो है इस पॉइंट पे चेक करना था, ये हमारे पास जो है ना वो फाइनल फंक्शन है और फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। ये इंटीग्रेशन ये आप रेफ अमल में कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है, बेसिकली आपने यहाँ से डायरेक्ट जो है इसका ये फंक्शन निकालना था कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट जी हमारे पास हम बात करते हैं क्वेश्चन 38 में, कहते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये किस जो है ना वो फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स को ऊपर ले गए तो एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 2x। अब जो है इसकी इंटीग्रेशन करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स
विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे करते हैं तो x की पावर माइनस टू प्लस टू वैसे ही आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, साथ यहाँ पे जो है ना वो आप डी एक्स भी लिखना चाहिए लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बता दी जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखें इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक प्लस हो जाता है, तो एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा, वही चीज बटे में आ जाती है, प्लस टू वैसे आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन होगी आपके पास एक्स की पावर टू ओवर टू प्लस सी हमारे पास है वो भी कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ले आए इसको नीचे ले जाए वन ओवर, नीचे जाके वन ओवर एक्स बन जाएगा, प्लस टू टू से कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारे पास, ये वाला बेसिकली फंक्शन है जिसका हम यहाँ पे जाना है उसका डेरिवेटिव है। इसी फंक्शन के अंदर हम अब हम जाना वो पॉइंट पी पुट करना है, पॉइंट पी में एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ पे माइनस वन पुट करें, तो जी इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू यहाँ पे भी वन ओवर माइनस का वन प्लस माइनस के वन का स्केयर प्लस सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकालेंगे बेसिकली, तो जी एफ माइनस वन वाई की वैल्यू वन के बराबर है, तो वन विच इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बचेगा वन प्लस, ये भी जाना आपके पास प्लस हो जाएगा तो वन बचेगा प्लस सी, तो वन वन प्लस वन टू टू प्लस सी टू इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस टू विच इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू माइनस का वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन को पुट करते वन में, यहाँ पे माइनस वन पुट करके हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सी की जगह पे माइनस वन पुट करना है तो माइनस का वन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38, सिंपल इजी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 39। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं क्वेश्चन 39 में, कहता है r प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8 माइनस कोसेकेंट के थीटा, पॉइंट उसने आपको दिए हो जी पाई बाय 4 एंड 0, ये x दिए बेसिकली आपके पास y है। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा r * थीटा व्हिच इज इक्वल टू 8 की इंटीग्रेशन होगी आपके पास 8x, उसके बाद माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, क्या कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस का cot, माइनस कॉट थीटा, ये फार्मूला तो आपको आने चाहिए क्योंकि ये एफएससी में सारे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, नहीं आते तो आप लोग अपने पास फार्मूला लिख के रख रहे हैं ताकि आपको इजीली जो है क्वेश्चन को करने में समझ आ रहे। तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट, उसके बाद ये यही हमारे पास, तो ये हमारे पास बनेगा आर इंटू थीटा विच इज इक्वल टू 8x माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा प्लस सी, हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट है तो इस फंक्शन का बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव है, ठीक है जी। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट यहाँ पे पुट किया हमारे पास है जी आर इंटू थीटा की जगह पे पुट किया पाई बाय फोर विच इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे एक्स में लिख चुका हूँ यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे भी थीटा क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा यूज हो रहा है, तो थीटा की जगह पे मैं पुट करता हूँ यहाँ पे पाई बाय फोर, उसके बाद जी प्लस कॉट इंटू पाई बाय फोर प्लस सी वैसे ही आ जाएगा, ये बनेगा जी आर इंटू पाई बाय फोर किसके बराबर है बाद में लिख लेते हैं, यहां पर इसको कैंसिल किया तो ये बन जाएगा जी 2 पाई, कैंसिल किया तो 2 पाई बन चुका, यहां पे प्लस, अब कॉट पाई बाई 4 किसके बराबर होता है, देखिए कॉट बेसिकली होता है आपके पास कॉस पाई बाई 4 ओवर साइन, साइन पाई बाई 4, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉट का फॉर्म होता है कॉस ओवर साइन, तो कॉस पाई बाई साइन पाई बाई 4 हमारे पास क्या होता है कॉस पाई बाई 4 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और साइन पाई बाई 4 भी क्या होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आया 1। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात हो रही है, अगर मैं आप लोग देखना चाहते हैं चुटकी में सेकंड्स में जाना वो इसकी वैल्यूज को याद रखना चाहते हैं, मैंने लेक्चर अपलोड किया आप देख सकते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मैंने लेक्चर बनाया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक क्या होती है, उसको कैसे आप लोग सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी लास्ट में देखिए जाके, तो ये हमारे पास का आंसर आया 1, उसके बाद प्लस हमारे पास सी। अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है r इंटू पाई बाई 4 ये किसके बराबर है y के, 0 के बराबर है, तो 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 1 प्लस c हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से c हम लोग निकालें तो ये इधर आके बन जाएगा माइनस का 2 पाई माइनस का 1 विच इज इक्वल टू c, c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसी c की वैल्यू को आप लोग इसमें 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या बच जाएगा जी r * थीटा विच इज इक्वल टू 8 थीटा हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस कॉट थीटा बी हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, सी की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस का 2 पाई माइनस का 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर दिया करें अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, बेसिकली आपने जो है ना वो फेलोज के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी आगे वीडियो देख सकें। तो देखिए हमारे पास आज का लेक्चर लास्ट क्वेश्चन 40 की बात करते हैं r प्राइम ऑफ थीटा व्हिच इज इक्वल टू सेकेंट d टैन
टी, हाँ यहाँ पे भी टी है भाई, सीकेंट टी टेन टी माइनस वन और पी उसने आपको दिया जो जीरो जीरो, यहाँ पे बेसिकली ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई, इसका जो है ना वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके लिए हम लोग इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं आर इंटू टी विच इज इक्वल टू, अब सीकेंट टी टेन टी किसका डेरिवेटिव होता है, ये बेसिकली डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट का, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट और टेन, इसका मतलब कि ये किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट टी का डेरिवेटिव है, सीकेंट टी माइनस वन किसका डेरिवेटिव है टी का, प्लस सी जो है आप लोग कॉन्स्टेंट लिख लें, तो ये हमारे पास बेसिकली वो वाला फंक्शन आ गया जिसका ये डेरिवेटिव है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पुट करके चेक करते हैं, यहां पे बेसिकली जो है ना वो आर टी यूज हो रहा है, तो यहां पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं टी एंड आर, ठीक है जी। तो यहां पे आप लोग टी की जगह पे जीरो पुट करते हैं, तो आर इंटू जीरो विच इज इक्वल टू ये बने वे सिकेंट जीरो माइनस जीरो प्लस सी आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, आर इंटू जीरो बेसिकली किसके बराबर है, जीरो के बराबर, आर जीरो के बराबर है, जीरो विच इज इक्वल टू, अब सिकेंट जीरो किसके बराबर है, लेकिन सिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, कॉस वन ओवर कॉस, वन ओवर कॉस टी। अब देखें जी कॉस जीरो किसके बराबर होता है, कॉस जीरो वन के बराबर होता है, तो सिकेंट जीरो भी वन के बराबर ही होगा, वन प्लस सी आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का वन, अब इस माइनस वन को इस वन में पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा आर इंटू टी विच इज इक्वल टू सिकेंट टी माइनस टी माइनस का वन, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। ये था हमारे पास आज का एक छोटा सा सिंपल सा इजी सा, तो लास्ट पे जाना वो चैनल को लाजमी जाना, इसका ख्याल रखा करें, सब्सक्राइब किया करें, अगर आपको कोई इशू होता है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, हैंड रिट नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।